स्वागत है आप सबका हॉरर विला में। मैं हूं आप सबके साथ आपका पॉडकास्टिंग जॉकी यानी कि पीजे आशुतोष। तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम है हॉरर विला, उसके टैगलाइन में लिखा है डरना मना है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आप भी डरना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हमारे कहानी का नाम है रेल की पटरियों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश नाम का एक लड़का दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास लौट रहे थे। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। वे अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात की को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आए, उन्होंने एक युवती को साथ चलते देखा। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर लौट रही थी। ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहां से राकेश का घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, घर पहुंचाकर ही वह आगे बढ़ेगा। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं। राकेश ने कहा हाँ खेलता हूँ। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ छिटपुट आबादी। कुछ घर अभी बन ही रहे थे, कुछ घरों में रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए कब हम रेल फाटक के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएंगी। राकेश ने कहा कि उसे घर तक पहुंचाकर आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा अब कोई परेशानी नहीं है। अंततः राकेश ने कहा कि वह घर पहुंचने के बाद आवाज़ देगी, तभी वह आगे बढ़ेगा। बहरहाल उसने अपने दरवाजे पर पहुँचने के बाद आवाज़ दी, वह अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद राकेश शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए उसे लड़की की याद आई। उसने पास से एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास वो टहल रहे हैं, वही अर्जुन सिंह है। राकेश उनके पास गया और कहा नमस्ते अंकल। वे राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। राकेश ने कहा अंकल 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ थी, अब वह कैसी है। अर्जुन सिंह राकेश के बातों खामोशी सुन रहे थे, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी लेकर गई। अर्जुन सिंह ने बताया कि वह उनकी छोटी बेटी श्वेता थी। राकेश ने पूछा रेखा कहाँ है। इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा करके वहाँ रेखा की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला पहनाया हुआ था। राकेश चौंक गया। अर्जुन सिंह ने बतलाया 2 महीने पहले की बात है, रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंस दौड़ती हुई आई, कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वह कटकर मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें दबदबा गईं। फिर थोड़ा संयत होकर पूछा रेखा बहुत हसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। अर्जुन सिंह राजन से पूछे अच्छा बताओ वह तुमसे मिली तो उदास लग रही थी ना। राकेश ने कहा कि वह सामान्य छात्रा की तरह बात कर रही थी, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि। राकेश धीरे से उठा और बोला अच्छा अंकल चलता हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा ठीक है बेटा आते रहना। राकेश भावुकता में बहता हुआ बाहर निकला, उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा नाच रहा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।